साइकोसिस क्या होता है उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। साइकोसिस ये एक मेजर मेंटल इलनेस है, मतलब गंभीर मानसिक बीमारी है और इसमें अलग अलग बीमारियां हैं। साइकोसिस सिंड्रोम, इसमें अलग अलग बीमारियां हैं, जैसे मैनिक साइकोसिस होता है, स्किजोफ्रेनिक साइकोसिस होता है, स्किजोफ्रेनिक फॉर्म साइकोसिस होता है, डिप्रेसिव साइकोसिस होता है, ऑर्गेनिक साइकोसिस होता है। तो ऐसे अलग अलग साइकोसिस उसमें है और इसमें मेन सिम्टम जो है, खास लक्षण जो है वो है डिल्यूजन्स, मतलब फॉल्स बिलीव्स, मतलब गलत धारणाएं। और इतना पक्का विश्वास उनको ये गलत धारणाएं के ऊपर होता है कि वो मानने को तैयार नहीं होते। फॉल्स बिलीव्स, डिल्यूजन्स, ये थॉट डिसऑर्डर है। तो इसमें क्या होता है कि लोग एक तो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, लोग मेरे तरफ इशारा कर रहे हैं, लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, पुलिस मेरा पीछा कर रही है, मेरे खाने में कोई कुछ मिला रहा क्या, फिर कोई मुझे मारने आ रहा है तो मैं भाग जाऊं, मतलब इस तरह का उनको ऐसे विचार पक्के रहते हैं, डिल्यूजन्स। या अपनी पत्नी बेवफा है या पति बेवफा है, ऐसे अलग 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 उनको फॉर्म धारणाएं, फॉल्स बिलीव्स रहते हैं और वो अनशेकेबल होते हैं, वो टूटते नहीं है। दूसरा जो है वो हेल्यूसिनेशन है, मतलब भ्रम। उसमें कानों का भ्रम ज़्यादा होता है, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, कुछ नहीं है तभी भी आवाज़ सुनाई आती है, जान पहचान वाले लोगों की, बिना जान पहचान वाले लोगों की, ऐसा बड़ा मॉब है उसकी आवाज़ आ रही है, लोग उनको ऐसा लगता है कि लोग आ रहे देखो आवाज़ आ रही है, कोई आसपास में नहीं है तभी भी उनको आवाज़ आती रहती है और उनको दिखता भी है फिर आँखों से कि देखो देखो लोग आ रहे मार रहे, देखो मेरे को दिख रहा है सामने, मूर्तियाँ दिख रही, भगवान दिख रहे, ऐसा उनको दिखता भी है। तो ये हेल्यूसिनेशन है, विजुअल हेल्यूसिनेशन, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, उसमें काफ़ी जो अपने जो इंद्रिय है उसके हेल्यूसिनेशन होते रहते हैं। फिर तीसरा जो है बिहेवियर डिसऑर्डर है, बिहेवियर डिसऑर्डर उसमें दिखता है, बिहेवियरल चेंजेस, मतलब आक्रामक होना, तोड़फोड़ करना, वो भी उसमें दिखाई देता है। और फिर बोलना जो है वो एकदम इररिलेवेंट रह सकता है, इनकोहरेंट, वर्ड सैलेड, मतलब समझता नहीं है क्या बोल रहे तो इस तरह का बोलना, इस तरह का चलना, मतलब बिहेवियर, नींद नहीं है, बार बार कभी आक्रामक हो रहे, कभी गुस्सा कर रहे, हिंसक बन रहे, इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को फिर निगेटिव सिम्टम्स रहते हैं, मतलब उसमें एकदम जो भावना है वो एकदम फ्लैट हो जाती है, ना अच्छा लगता ना बुरा लगता, फ्लैट एकदम भावना है, बिल्कुल एपैथी। कुछ लोगों को अनहेडोनिया होता है, मतलब कोई एंजॉयमेंट ही नहीं आता उनको, बस विड्रॉ हो जाते हैं, बातचीत नहीं करना, उनको कोई प्लेजर नहीं है, कोई खाने में इंटरेस्ट नहीं, ना कोई बाहरी टीवी देखो, पिक्चर देखो, उसमें मतलब ऐसे फ्लैट होके कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्लेजर नहीं, ऐसे निगेटिव सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो ये साइकोसिस से हमको ये देखना पड़ता है कि ये प्योरली ऑर्गेनिक है कि प्योरली साइकोजेनिक साइकोसिस, मतलब ऑर्गेनिक मतलब ब्रेन की बीमारी से हुआ है क्या, क्योंकि ब्रेन की बीमारी से साइकोसिस हो सकता है। ब्रेन की बीमारी मतलब ट्यूमर हो सकता है, गठान हो सकती है, ब्रेन में फीवर आ सकता है। फिर अल्कोहलिक साइकोसिस होता है जिसमें शराब का विड्रॉल होता है जिससे ब्रेन में इफेक्ट आता है, या फिर कोर्साकॉफ साइकोसिस होता है अल्कोहलिज्म में, तो वो साइकोसिस ब्रेन की बीमारी की वजह से है क्या, या फिर स्किजोफ्रेनिया, मैनिया, डिप्रेशन, स्किजो इफेक्टिव, उसके वजह साइकोसिस है क्या, देखना पड़ता है। तो उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेशन करके डायग्नोसिस और फिर उसका इलाज। हमारे हॉस्पिटल में हम क्या करते हैं कि रिश्तेदारों के साथ में हम पेशेंट को भर्ती रखते हैं, उनको अच्छे डोजेस देते हैं एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस, और उससे उनको अच्छा करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है तो उनको शॉक ट्रीटमेंट भी देते हैं। हमारा दूसरा हॉस्पिटल है, वहाँ हम लोगों को बिना रिश्तेदार भर्ती करते हैं, अकेले में पेशेंट को अच्छा करके फिर हम पेशेंट को वापस ले जाओ ऐसा बोलते हैं, हम पहुँचा देते हैं। ज़्यादा वायलेंट पेशेंट है तो हमको घर से लोगों को हम ला सकते हैं हमारे एम्बुलेंस भेज के और हम हमारे यहाँ भर्ती कर सकते हैं। हमारा जो मकसद है वो सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, व्यसन मुक्त भारत, इसमें आप हमारे पार्टनर बनिएगा। आप मुझे ऑनलाइन कंसल्टेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग हम करते हैं, और हमारे जो असिस्टेंट्स है, डॉक्टर्स है, उनसे बात करके मेरी अपॉइंटमेंट ले लो। हमारा ऐप डाउनलोड करो, आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर ज़्यादा से लोगों को शेयर करो। 1% लोग जो है एट एनी गिवन टाइम वो साइकोसिस से सफर कर रहे हैं, उनका यदि इलाज हो गया तो 735 करोड़ की ये दुनिया में कितने करोड़ लोग होंगे कि जिनको ये बीमारी है और उनका इलाज करना बाकी है। आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर शेयर करो। Thank you very much.